तो हम हो गए हैं रेडी और अब हम जा रहे हैं शनि नहीं कहाँ पे जा रहे हैं? बताओ कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं शिरडी, है ना? शिरडी साईं, तो हम आगे है। हाँ शिरडी तो हम आ गए हैं, अब जा रहे हैं साईं बाबा के मंदिर। हाँ तो अब चलते हैं, आप भी चले हमारे साथ। तो मिलते हैं होटल के अंदर। देखो साईं बाबा की कितनी सुंदर फोटो बनी हुई है, बहुत ही अच्छी लग रही है। और ये रहा हमारा होटल जिसमें हमने स्टे किया है, बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं। तो मौसम देखिए आप कितना शानदार हो रहा है, ये सारे सारे क्लाउड उड़ रहे हैं। और ये जो सामने जो लास्ट में जो बिल्डिंग दिख रही है ये मंदिर ही है। तो होटल के एकदम पास ही हमने लिया है, मंदिर के पास हमने होटल लिया है, जिससे हम वॉकिंग डिस्टेंस पे जा चुके। नज़ारा बहुत प्यारा है और फिलहाल ऑफ सीजन भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। बाकी मंदिर के अंदर जाके देखते हैं क्या है। और ये है मंदिर की बिल्डिंग, और ये देखो यहाँ पे सिर चढ़ता है फूल, तो यहाँ पर फूल मिलते हैं। बस ये है मोबाइल कैमरे का लॉकर क्योंकि अंदर फ़ोन नहीं लेके जा सकते। और ये है यहाँ पे शूज का लॉकर जो कि दोनों चीज़ फ्री है। तो अभी हम यहाँ पे जमा कर देते हैं, इसके बाद हम अंदर जाएंगे मंदिर। तो यहाँ पे बस आप अपनी आओ, जूते चप्पल उतारो और चले जाओ, और फिर आओ पहन के चले जाओ। अच्छा है, हमें यहाँ पे अपना फ़ोन जमा करवाना पड़ेगा क्योंकि मंदिर के अंदर तो फ़ोन अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे फ़ोन सभी जने जमा करवा देते हैं, और आई थिंक ये फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। देखो ये करें, हरे दर्शन हो गए हैं बहुत ही अच्छे से साईं बाबा जी के। और काफ़ी टाइम लगा हमें, कम से कम भी 3 घंटे लग गए हमें लाइन में लगे हुए। अभी जस्ट आए हैं वहाँ से, और मैं आपको बताती हूँ अंधेरा हो चुका है पूरा मार्केट में। ये देखो ये चल रही है इनकी फ़ोन पे बातें। मार्केट दिखाती हूँ आपको यहाँ का, ये पूरा है मार्केट और यहाँ से लगती है पूरी लाइन। मोबाइल अंदर लेके जा नहीं सकते तो हम बता नहीं सकते, ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारी लाइन लगती है। और ऊपर जाके फिर नीचे जाके फिर नीचे ऊपर, ऐसे करते करते हमारे दर्शन हुए। देन बड़ा मज़ा आया, और लाइन में खड़े थे तो थक भी गए थे क्योंकि 3 घंटे से हम लाइन में खड़े थे। मैं बाबा जी के दर्शन आपको यहीं से करवा देती हूँ। भीड़ है बहुत, हमने सोचा भीड़ नहीं मिलेगी हमें, फिर भी हमें तीन साढ़े तीन घंटे लगे। चाय नाश्ते में आए हैं और चाय ना पिए, चाय के रेट देख सकते हैं आप, ओनली फॉर 2 रुपीज कॉफी 3 रुपये और 10 रुपये का। कितना सस्ता है ये टी स्टॉल, 2 रुपये की चाय। तो लड्डू के लिए काफ़ी सारी लाइन में लगी, और ओनली फॉर 5-10 रुपये का लड्डू मिलता है प्रसाद का, जो आप घर के लिए लेके जा सकते हैं अपने आस पड़ोस और किसी को भी आप दे सकते हैं प्रसाद। ये लाइन लंबी है, लाइन में लगे मैं लड्डू लेने के लिए। और ये अंकल आंटी हमें मिले थे जिन्होंने हमें इस चीज़ के लिए बारे में बताया कि यहाँ पे लड्डू मिलते हैं प्रसाद के लिए घर लेके जाएं, और हमने भी आए फिर, नहीं तो हम तो ऐसे चले गए थे। ये देखो यहाँ पे लोग रेस्ट कर रहे हैं, सब बहुत दूर दूर से आए हैं। बाबा जी के दर्शन करवाती हूँ आपको। तो ये जो बाबा का भोजनालय जो मैंने अभी आपको बाहर से दिखाया है, उसका अंदर से है, इसमें दो चीज़ें, मतलब यहाँ पे भंडारा चलता रहता है हमेशा। तो या तो आप नॉर्मल लाइन में लग के खा सकते हैं जिस तरीके से लोग खा रहे हैं, अभी हम अंदर जाके देखते हैं क्या है। बाकी एक वैसा भी है कि अगर आप बैठ के खाना चाहें, मतलब थोड़ा आपको VIP ट्रीटमेंट चाहिए, तो उस सिचुएशन में शायद 40 रुपये का टिकट है, और वो आप लेके ऊपर शायद कोई जगह है वहाँ पर बैठ के खा सकते हैं। तो अभी देखते हैं अंदर चल के कैसे है क्या है, आपको भी दिखाते हैं। तो ये इस तरीके से कुछ इसका एंट्रेंस है, और ये सामने अंदर हॉल है जहाँ पे हम बैठ के अभी खाना खाएंगे, अभी आपको अंदर से दिखाते हैं। और ये यहाँ पे भी लाइव चल रहा है, जो साईनाथ मंदिर के अंदर जो भी चल रहा है वो यहाँ पे लाइव अंदर डिनर हॉल, और वहाँ पे कूपन मिलता है, लाइन में लग के पहले कूपन ले ले, फ्री कूपन है, मतलब पैसे वैसे को नहीं लगते किसी भी चीज़ के। फिर आप कूपन दिखा के उसके एंट्री कर सकते हैं। देखिए ये है डिनर हॉल, ये देखिए कितना बड़ा डिनर हॉल है, देखते हैं कहाँ बैठे, जहाँ भी मिलेगी जगह वहाँ बैठ जाएंगे। अंदर चलते हैं, और ये देखो आप वाइड में कितनी भीड़ है यहाँ, कितने लोग यहाँ पे खाना खाने आए हैं, सबको मुफ्त में प्रसाद खिलाया जाता है, मुफ्त सबके लिए भोजन की व्यवस्था है।
और ये दिखाता हूँ, देखिए ये इस तरीके से थाली है, थाली में ऑलरेडी नमक पहले से है, अगर किसी के उसमें नमक कम है तो आराम से नमक लेके यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये एक बंदा है जो कि पानी दे रहा है, तो सबसे पहले लोगों के पास पानी पहुँचेगा, उसके बाद खाना पहुँचेगा। तो कह सकते हैं बाकी बहुत अच्छी सर्विस है, तो मुझे तो लगता नहीं कि जैसा वो बताया था मुझे किसी ने, हालाँकि मैंने देखा नहीं हो कि आप 40 रुपये दे के VIP ट्रीटमेंट ले सकते हैं, तो ये भी कोई बुरा ट्रीटमेंट तो नहीं है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर आए और मुफ्त भोजन का लाभ उठाए। ये देखिए यहाँ पे तरीके से भीड़ है और ये पीछे लोग खा रहे हैं, बहुत बहुत बड़ा हॉल है और यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग खा रहे हैं और मुफ्त में लोग जो है प्रसाद का भी खा रहे हैं। और अभी ये तरीके से ये जो आ रहा है बंदा, ये देखिए हाँ ये चावल आ रहे हैं, मतलब धीरे धीरे अभी देखते हैं क्या कहता है, फिर वहाँ पर मिला। और ये इस तरीके से करते हैं खाना सर्व, दाल चावल छोले एक सब्जी थी उन्हें खा गया और रोटी, यानी काफ़ी कुछ है, खाना हो गया, बहुत स्वादिष्ट था। अभी ट्राई करते हैं मीठा क्या है, ये मीठा दलिया लेकिन बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया। हम देखने आए हैं म्यूजियम, म्यूजियम जो कि बाबा का, जहाँ पे हमने खाना खाया था इसके जस्ट ऊपर था, 10 रुपये इसका टिकट है। और इसमें जब जो लड़ाई हुई थी मराठाओं की, उससे रिलेटेड जो चीज़ मराठा तलवार हो गया या जो भी वो लोग यूज़ करते थे अपने उसके लिए युद्ध के लिए, वो चीज़ें आपने दिखाई। तो ये है मंदिर की एंट्री, यहाँ से हम मंदिर गए थे और दिन में बहुत भीड़ रहती है, जैसे ही जब रात को मंदिर में एंट्री बंद होती, तो देखो यहाँ पे ना रात किस तरह से मार्केट लग जाती है। तो ये पूरे रास्ते में यहाँ पे रात को मार्केट दिखती है, क्योंकि लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, दिन में लोग दर्शन के लिए रहते हैं तब तो भीड़ रहती है, और रात को यहाँ पे पूरी इस तरह से मार्केट लग जाती है। अब हमने सोचा कि पानी पूरी ट्राई की जाए, उधर डिनर विनर सब कुछ हो गया, पेट भर चुका है, बट फिर भी सोचा कि एक बार टेस्ट तो करना चाहिए। तो यह है शिरडी का रात का नज़ारा, इस तरफ मार्केट लग चुकी है जो कि 2 ही घंटे लगती है, और ये खैर इस तरफ जो है वो ये परमानेंट मार्केट है। दर्शन हमारे हो गए, फ़ोन नहीं लेके जा सकते थे इसलिए हम अंदर कुछ दिखा नहीं पाए। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ दिस व्लॉग, सी यू सून।